शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन डिवीजन की तमाम अहम इमारतों के गिर्दोनवाह में किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन किया गया है। सर्च ऑपरेशन डिवीजन की तमाम अहम इमारत के गिर्दोनवाह में किया गया है। इस बारे में तफसीलात मुदस्सिर हुसैन से जान लेते हैं। मुदस्सिर हुसैन, बताइए इस ऑपरेशन के हवाले से। जी हाँ बिल्कुल जी, ये शहर भर में जो तमाम डिविजन्स में जो पुलिस की जानिब से, सीटीडी की जानिब से और दीगर सिक्योरिटी अदारों की जानिब से जो ये सर्च ऑपरेशन किया गया है, और इस सर्च ऑपरेशन में जो है मुख्तलिफ जो डिवाइसिस के जरिए जो इलाका मकीन थे और जो अहम इमारतें हैं उनके अतराफ में जो इलाका मकीन थे उनके जो अक्वाइफ वगैरह चेक किए गए हैं, जबकि जो जदीद डिवाइसिस और एंड्रॉयड सिस्टम के जरिए उनके आईडी कार्ड नंबर्स और दीगर जो शिनाख्ती क्वाइफ थे उनको मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल की गई, जिस हवाले से जो है खास तौर पर जो मशकूक अफराद पाए गए उनको भी मुकम्मल उनकी तफ्तीश करने के बाद इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद जो है उन्हें जाने दिया गया, जबकि इस हवाले से जो है हम हाथों के अतराफ में जो किराएदार हैं उनके किराए नामों के हवाले से उन्हें भी मुकम्मल तौर पर उनकी चेकिंग की गई है, जबकि जो इस ऑपरेशन के दौरान जो खवातीन एहलकार थी उनकी भी भरपूर शिरकत थी और उनकी जानिब से जो खवातीन को भी चेक किया गया और घरों के अंदर जाकर बाकायदा तौर पर जो है इस हवाले से जो है मुकम्मल तौर पर उस वहां से सर्च ऑपरेशन किया गया है, ताकि किसी भी किस्म का कोई भी शरपसंद अनासर जो है अपनी मजमूम कार्रवाइयों में जो है वो कामयाब ना हो सके। ये सर्च ऑपरेशन करने का जो शहर भर में इसका ये मकसद था और आला हुकाम की जानिब से जो है इसको काफी ज्यादा जो है इसको सीरियस लिया गया है। मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और मुहर्रमुल हराम के महीने में मुकम्मल तौर पर पहले आशूरा में भी इसी तरह सर्च ऑपरेशन किए जा रहे थे, जबकि मुहर्रमुल हराम के बाद भी अब भी जो है शहर में जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं वो अमन को जो अमन का फिजा है उसको बरकरार रखने के लिए ये सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। जी मुदस्सिर हुसैन, ये बताएगा कि माजी में भी सर्च ऑपरेशन किए जाते रहे हैं और अभी भी सर्च ऑपरेशन के बारे में आप बता रहे हैं, कब तक जारी रहेंगी ऑपरेशंस? जी हाँ बिल्कुल जी, इस हवाले से अभी तक तो जो आला हुकाम का कहना है कि जब तक जो शहर भर समेत पूरे मुल्क में जो है पूरे तौर पर जो है अमन की फिजा कायम नहीं हो जाती तब तक ये ऑपरेशन जो है जारी रहेंगे और शरपसंद अनासर का जब तक खात्मा नहीं हो जाता तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेंगे, और खास तौर पर जो है किराएदार जो नए आते हैं उनकी जांच पड़ताल वक्फे वक्फे से जारी रहती है, क्योंकि जब वो उनको नया किरायानामा किसी भी पुलिस स्टेशन में जमा होता है तो इस हवाले से खास तौर पर जो है दीगर सिक्योरिटी इदारे होते हैं वो भी मुतहरक हो जाते हैं कि आया ये शख्स कहाँ से आया, किस जगह से आया। इस हवाले से ये सर्च ऑपरेशन जो है वह मामूल के मुताबिक ये कंटिन्यू जारी रहेंगे, जबकि खसूसी तौर पर जो पुलिस के आला हुकाम है और उनकी जानिब से जो हमारे जराए हैं खासतौर पर उनका ये दावा है कि ये जो सर्च ऑपरेशन है उस वक्त तक भी जारी रह सकते हैं जब तक ये पूरे मुल्क शहर भर में समेत जो पूरे मुल्क में जो अमन की फिजा अब तक जो कायम है उसको बरकरार रखने के लिए भी किए जाते हैं और उसको आइंदा भी बरकरार रखने के लिए सर्च ऑपरेशन। मुदस्सिर, ये बताइएगा कि इस सर्च ऑपरेशन में खासतौर पर किन चीजों को चेक किया जाता है, कवायफ चेक किए जाते हैं या बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत शनाख्ती कार्ड को चेक किया, क्या चेक किया जाता है? जी बिल्कुल जी, इसमें जो खासतौर पर जो अहम इमारतें होती हैं जिनमें हमारी जो सरकारी इमारतें हैं, गवर्नर हाउस है, पंजाब असेंबली है, सीसीपी ऑफिस के हमारा बिल्डिंग है, उसके अलावा दीगर जो म्यूजियम है, यूनिवर्सिटीज हैं और आईजी ऑफिस है और सिविल सेक्रेटेरिएट के दफातर हैं और दीगर जो सिटी गवर्नमेंट के जो दफातर हैं उनके अतराफ में जो रहायश पजीर होते हैं और खासतौर पर जो किराएदार होते हैं उनके जो है आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं, उनकी जाय पदाइश चेक की जाती है, उनके आबाई गाँव जो जहाँ पर वो रहायश पजीर पहले से रहे हों और इधर मुंतकिल हुए हों या जिस जगह से इसी शहर से ये अगर बिलोंग करते हैं और या इसके अलावा किसी और शहर से बिलोंग करते हैं, ये सारे तमाम जो क्वाइफ होते हैं मुकम्मल चेक किए जाते हैं और जिस पुलिस स्टेशन जो मुतलका पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर जो उनका इंदराज किया जाता है और बाकायदा तौर पर उनके जो मुकम्मल क्वाइफ को वहाँ पर इंदराज किया जाता है, ये कहाँ किस शहर से आया है, किस कम्युनिटी से ये ताल्लुक रखता है और इसके इसका कारोबार क्या है, ये आने इसके बाद जो इसके बच्चे जो इसकी फैमिलीज हैं उस सबके बारे में मुकम्मल मालूम हासिल करके ये सारी चीजें चेक की जाती हैं और तमाम मालूम इकट्ठी की जाती हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर नवाब अपडेट करने के लिए।